शांति। आज 30 अप्रैल 2023 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 नवंबर 1994 को सुनाए थे, जिसमें प्यार का सागर बाप अपने प्रेम स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये प्यार भी कैसा वंडरफुल है, जो बाप भी इसी प्यार में बच्चों के और खींचे चले आते हैं और बच्चे भी बाप के प्यार में खींचे चले आते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, ये परमात्मा प्यार सुख के झूले में झूलने का अनुभव कराता है, लेकिन ये परमात्मा प्यार कौन अनुभव कर सकता है? बाबा कहे, साधारण आत्माएं ही ये परमात्मा प्यार को सहज अनुभव कर सकती है। क्यों? क्योंकि बाप भी साधारण तन में आते हैं और इसीलिए उन्हें साधारण बच्चे ही अति पसंद है। बाबा कहे, ये साधारण बच्चे सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि भाग्य विधाता इस वक्त सभी बच्चों के हाथ में भाग्य खींचने की कलम दे देते हैं और जितना लंबा भाग्य खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। और इस तरह से संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि वही भविष्य में पद्मापदम भाग्यवान बनते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाओ, अर्थात खुश नसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। सचमुच ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। तो कितना ये प्यार का महत्व है कि अगर ये परमात्मा प्यार में एक सेकंड में कोई खो जाए तो अनेक दुखों को सदा के लिए भूल जाते हैं और सुख के झूले में झूलने लगते हैं। ऐसा अनुभव है ना? पूछते बाबा, ऐसा अनुभव है ना? बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। ये भाग्य न किसी को प्राप्त हुआ है और न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, ये नशा चढ़ाने वाली बात है। अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, इसलिए बाबा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते हैं। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। बाबा के पास बच्चे भी साधारण ही आते हैं। फिर बाबा कहते, साधारण कौन है?
आज का करोड़पति भी साधारण है। सतयुग की भेंट में तो आज का करोड़पति भी कुछ नहीं है। तो आज का करोड़पति भी साधारण है। क्यों साधारण बच्चे बाबा को पसंद है? बाबा कहे साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, बेभान वाले नहीं चाहिए। तो बाबा जैसे दोनों शब्द को जोड़ रहे हैं, भावना और भान। तो जो भावना वाले हैं उसमें देह अभिमान नहीं होता, लेकिन जो देह अभिमान वाले हैं उनके अंदर भावना नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा कहे साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा, देह अभिमान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है। कहते हैं ना, भगवान भावना का भूखा है और वो भावना का फल देता है। और भावना साधारण आत्माओं में ही होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा ने कही कि दुनिया के अंदर जितने नामी ग्रामी है, अर्थात जितना देह भान में है, उनके पास न भावना है न समय है। तो बाप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। और साथ साथ खाली भाग्य विधाता भाग्य की लकीर नहीं खींच रहे हैं, लेकिन बाबा कहे साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। तो बाबा ने अपने पास नहीं रखा, बाबा ने बच्चों को दे दिया है, कलम मिली है ना, भाग्य की रेखा खींचने की कलम मिली है ना। भाग्य के लकीर खींचने की कलम क्या है? श्रेष्ठ कर्म। तो इसीलिए बाबा कहे भाग्य की लकीर खींचना आता है? कितनी लंबी लकीर खींची है? छोटी मोटी तो नहीं खींच ली? जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और भाग्य का कलम बाबा दे देते हैं। यही परमात्मा प्यार है। इतना परमात्मा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? बाबा पूछते हैं प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है ना। जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो और उसको वो चीज कोई ला करके दे दे तो यही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कोई एक दो इच्छा पूरी नहीं करते, सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्या क्या चाहिए? आज की दुनिया के अंदर हर इंसान को सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। छोटी सी चीज वस्तु भी दे तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देता है। खाली सुख देता इतना नहीं है, लेकिन बाबा कहे सुख क्या देता, सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना,
पूछते हैं बाबा, सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा, दो कमरा, कितना है? तो पूछते बाबा, सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा, दो कमरा है? भंडार है, जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है बाबा, बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। कोई सुख की कमी है क्या? पूछते बाबा, कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है? फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया बाबा, कहे मैंने सब कुछ दे दिया, अभी ये नहीं कहना थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। तो बाबा कहे, बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, थोड़ी सी शक्ति चाहिए ये मांगने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं, इसलिए होते हुए भी क्या होता है, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। कितना बड़ा भाग्य है बाबा पूछते, कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है, कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, दुनिया में तो कई तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की तो कुछ चीज प्राप्त करने की। बाबा ने तो इतना बड़ा भाग्य दे दिया और वो भी बिना मेहनत के। ये तो नहीं कहते बाबा, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना, आराम से बैठे हो ना, ओम शांति भवन में बैठे थे तो बाबा के आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फोम पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। इतना आराम से बाबा के सामने बैठ करके सहज और श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, ये नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे, क्या कहेंगे, कि भाग्य विधाता हमारा है। बाबा कहे, सभी नशे से कहेंगे, क्या कहेंगे, भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। भाग्य विधाता को ही अपना बना लिया तो भाग्य के अधिकार को भी प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वह सदा यही अनुभव करते, क्या करते, कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। तो बाबा कहे, ये अनुभव करो, इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है, तो भाग्य विधाता हमारा है, ये नशा चढ़ता है या उतरता है, संगम का समय ही कितना छोटा सा है। और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, बाबा के सामने नए बच्चे ज्यादा बैठे थे, इतना थोड़ा समय मिला है और थोड़े समय में कितना ऊंचा भाग्य बना लेते। तो बाबा कहे, आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, इतना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है आगे नंबर लेने का। बाबा कहे, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का।
तो नयों में उमंग है या समझते हो? हमारे से आगे तो बहुत है। पूछते बाबा, नयों में भी उमंग है या समझते हैं कि हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है? नहीं, बाबा रियलाइजेशन दे रहा है, नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे। बाबा कहे पुराने हैं, वो कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, उनकी चाल ढीली हो जाती है। तो बाबा नए को कहते हैं, आप अलबेला नहीं बनना, तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना? पूछते बाबा, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाबा मम्मा का फिक्स हो गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो बाकी है। तो इसीलिए बाबा कहे नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? बाबा देख करके सभी ने हाथ उठा लिया, हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। तो बाबा कहे फिर सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएगी? फर्स्ट में आएगी? माताओं ने भी हाँ किया। बाबा कहे बहुत अच्छा, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे कमजोर संकल्प नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे आना ही है, ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। तो बाबा क्या कहते, माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे क्या है? सर्वशक्तिमान के आगे क्या है? माया पेपर टाइगर है। इसलिए घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। पता नहीं ये संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है। क्या वायदा है? बाबा वायदा भी याद दिला देते कि सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना, कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ, जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। जानते हो मानते हो, लेकिन समय प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। माया इतनी फोर्सफुल होकर के आ जाती जो बाबा ने जो सिखाया है वो सब कुछ भुला देती है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? बच्चों से पूछते बाबा, क्या माया सचमुच बहुत बलवान है? वो बलवान है या आप बलवान, या कभी माया बलवान कभी आप बलवान, क्या है? पूछते बाबा, आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। तो माया क्या चीज है? माया कोई वस्तु थोड़ी है, कोई व्यक्ति थोड़ी है। माया आपकी कमजोरी। तो बाबा ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि माया क्या है। आज माया का परिचय करा दिया, आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है, जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना,
इतना सटीक एग्जाम्पल बाबा देते हैं, जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है। तो न कमजोर बनना है न माया आनी है, सिंपल है ना। न कमजोर बनना है न माया आनी है, लक्ष्य ही है। हम सभी का लक्ष्य क्या है? माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है, बाबा कहे, कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो कि अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है। क्या है बाबा का प्यार? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। ये बाबा की कितनी ऊंची भावना है। तो बाप का प्यार ही है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। तो पहले तो माया जीत और फिर हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? बाबा कहे, अगर अपनी स्थूल पांचों कर्मेंद्रिय या मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी नहीं है तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजयी नहीं पा सकते हो तो सत्युग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए बाबा को तो वहां राज्य अधिकारी आत्माएं चाहिए जो अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर भी राज्य अधिकार जिसका हो, नहीं तो वो भी कलयुग हो जाए अगर राजा नहीं बने, विजयी नहीं बने तो। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। तो माया जीत का तो सहज बाबा ने साधन बता दिया कि अपनी कमजोरी के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है। दूसरा कर्मेंद्रिय जीत, तो चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हैं? क्या है बाबा कह, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं है, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए? पूछते बाबा, आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संस्कार संकल्प है। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजयी नहीं पा सकते हैं वो विश्व पर कैसे विजयी प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत मन जीत कहां तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, कर्मेंद्रिय जीत माया जीत मन जीत। ये तीनों जिसके अंदर है वो फर्स्ट डिवीजन में सहज आ सकते हैं, इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य है फर्स्ट डिवीजन। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो जो सुनते हो उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। तो बाबा ने देखा कि चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण जो सुनते हो जो कहते हो
उस एक एक गुण शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कब है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो, क्या कहते, मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है, सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है, अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए, शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण, स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण, स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। इतनी प्रैक्टिकल बाने बात सुनाई कि मान लो कोई को बहुत क्रोध आता है, तो वो क्रोध उसके स्वरूप में दिखाई देता है। खुद को भी उसको मालूम है कि मेरे में बस एक ही कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और दूसरे को भी यह अनुभव होता है, बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, क्या कहते हैं कि है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ही बाबा के, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए, तो अनुभवी मूरत ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी। अनुभवी मूरत ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा हो अनुभव किया, जो कहा हो वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण यह है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। अनुभव नहीं होता तो उसका कारण जो विधि मिलती है उस विधि पर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। बार बार रिवाइज करो अंदर में तो रियलाइज सहज होगा।
रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है। यहां बहुत सुंदर बात बाबा बताते हैं कि दुनिया वाले जैसे कहते हैं कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं कि हम अपना कर्म अच्छा करें, निष्ठा से करें, यही योग है, है ना। लेकिन उसको तो कर्म योग नहीं कहा जाएगा, लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए, शांति एकाग्रता अनुभव में आनी चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है, चलते चलते यही अलबिलापन आता है। तो बाबा कहे कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है, चलते चलते यही अलबेलापन आता है। योग साइड हो गया तो अलबेलापन तो आएगा ही आएगा। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। जो भी कर्म करो उसमें बाबा की याद समाई हुई हो उसको कहा जाएगा कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, कर्म योगी में भी अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे, दूसरों को अनुभव होनी चाहिए। अभी भी देखो अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करे, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहे हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करे, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा, और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। चेहरे पर खुशी की झलक अनुभवी जो होगा, हर एक बात का अनुभव होगा, उस स्वरूप में खुशी के रूप में दिखाई देगा, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है, सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है, ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है, ये भावी है, उसको क्या करेंगे। जितना बड़ा स्थान बनाएंगे वो भी कम होना, बाबा कहे ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। किस बात की रिहर्सल हो जाती है? बाबा कहे जो वायदा दिया है ना, जहां बिठाओ जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पट रानी और पट राजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है? इतना बाबा
सहज कर देता है। पूछते कोई तकलीफ है, बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहे, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहां भी रहे हुए हो, बाबा कहे जहां भी रहे हुए हो वहां खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है और बुलाएं। पूछते बाबा और भी संख्या को बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। सोने की जगह ही नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सब आ सकते हैं। करेंगे? पूछते बाबा। थक नहीं जाएंगे? भूख नहीं लगेगी? 7 दिन नहीं खाएंगे? 7 दिन खाना नहीं मिला, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा? पूछते बाबा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। क्यों? सहज योगी हो ना। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य। कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है और यहां चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी है, रूहान भी करते हैं। भक्ति में तो क्या होता है, जड़ चित्रों से मिलके आते हैं, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी है, रूहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। 94 में बाबा ने कहा था लेट के टाइम पर आए हो, सब खुश हो। अच्छा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूरत भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूरत भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगुनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योगयुक्त बनता है, हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। आज का स्लोगन है सदा एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे।
अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस।